एवरीवन, वेलकम टू फूड एंड बियॉन्ड। हम चेंज से क्यों डरते हैं? हर इंसान चेंज से डरता है, नॉट नेसेसरली कि हम चेंज जो है वो हमेशा खराब के लिए होता है, चेंज अच्छे के लिए भी होता है। घर से बाहर जब खाना खाने जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। तो मैं आज आपको पोहा जो है वो बहुत लोग बनाते हैं, कोई मीठा भी डालता है, मैं मीठा नहीं डालती, बट मेरा थोड़ा सा जो स्टाइल है बनाने का थोड़ा सा अलग है। मुझे पता नहीं वैसा लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते, बट प्लीज ट्राई करिए इस तरीके से बनाने। रोटी खाने का दिल करता है, कभी पराठे खाने का दिल करता है, कभी स्टफ पराठा खाने का दिल करता है, तो वो चेंज है जिंदगी का। तो इसी तरीके का पोहा जो आप जिस तरीके से बनाते हैं वो बनाइए जरूर, मगर दूसरा भी ट्राई करिए, प्लीज देखिए। अगर आपको उसमें से कुछ अच्छा लगता है तो जरूर अपनाइए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और ये वीडियो देखिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, विच इज फ्री, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट, लाइक। आप और भी वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, मेरा भी वीडियो फॉरवर्ड करिए। Let's go and make a poha. Press the bell icon. When you press the bell icon, a window opens. It says all. Please press all. ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास right away notification आ जाए। I like change. मैं इंडिया से छोड़ के अमेरिका आ गई हूँ, तो it's okay. Change is good. Change happens for good. Change से घबराना नहीं चाहिए। और इसमें मैं अभी नींबू डालूंगी, दो नींबू डालूंगी, दो नींबू का रस है। अभी थोड़ी हरी मिर्च भी डालूंगी इसके अंदर, और मैं इसको मिक्स करके अभी रख दूंगी जब तक हम अपने आलू बनाते हैं। ये मैरिनेट हो जाएगा और इसकी प्याज आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। पोहा लेते हैं, तो पोहा हमने मोटा वाला पोहा लिया है। मैं तीन जनों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने कप पोहा लिया है। इसको मैं छल्ली में डाल के मैं इसको धो दूंगी, और मैं सिर्फ धो के रख दूंगी। हमारे आलू बनेंगे इतने, ये रेडी हो जाएगा, प्याज भी रेडी हो जाएंगे। तो लेट मी वॉश इट। तो मैंने ये वॉश कर दिया है, और मैं इसको छल्ली को ऐसे रख दूंगी, ज़्यादा सॉगी ना हो इसलिए। और मैंने ये दो बड़े आलू काटे हैं, ये चॉप करे हुए हैं छोटे छोटे टुकड़े, तो अभी इसको हम फ्राई करेंगे। आपको डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं, आप शैलो फ्राई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा तेल डालेंगे इसमें, ताकि थोड़ा सा हमें ज्यादा चाहिए, अबाउट 3 टेबलस्पून ऑयल, और टीस्पून राई डाल देते हैं। राई को ज्यादा पकाओ तो वो टेस्ट अच्छा लगता है उसका। मैं इसमें, क्योंकि अभी और पकेगी तो मैं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, ज्यादा तो नहीं बना सकता है। तो ये आलू बन गए हैं, अब इसमें मैं आधा कप मैंने काजू डाले हैं। आप मूंगफली भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास नट्स हैं, कोई भी तरीके के बादाम काट के डाल सकते हो। अब मैंने ये 1/1 inch का अदरक है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि पकाने से बहुत हार्ड हो जाता है ये। और ये मिर्ची, हरी मिर्ची चॉप, ग्रीन अनियन, तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से। कलर देने के लिए इसमें हल्दी डालेंगे, तो ये आधा 1 teaspoon हल्दी है। और हम नमक भी अभी डालेंगे, क्योंकि नमक फिर आसानी से मिल जाता है उसमें पोहे के अंदर। तो ये 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है। और अब हम ये जो हमारी प्याज, हरी मिर्च और नींबू और टमाटर है,
हम ये डालेंगे। ये डाल के हमको सिर्फ जब चलाना है, इस वक्त थोड़ा आग मीडियम पे रखते हैं आप। प्याज पकानी नहीं है, सिर्फ गरम करनी है, और टमाटर भी पकाने नहीं है। अब इससे हम पोहा जो था हमने भिगोया था वो डालेंगे। आग धीमे रखें ताकि पोहा नीचे ना लगे। हम नमक अभी टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा नमक चाहिए। ये पोहा बन गया है, हम गार्निश के लिए इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। और लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।